हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे पांच पोषक तत्वों के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। विटामिन ए से भरपूर होते हैं जो हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यदि आपकी आई साइट भी वीक है, आप चश्मा यूज करते हैं या फिर आप दिन भर स्क्रीन पे काम करते हैं, लैपटॉप मोबाइल वगैरह यूज करते रहते हैं, तो आपको अपनी डाइट में ये पांच पोषक तत्व जरूर शामिल करने चाहिए जिससे आपकी आई साइट इम्प्रूव होगी। छोटे छोटे बच्चों को आजकल कम उम्र से ही चश्मा लग जाता है और उम्र के साथ साथ नंबर लगातार बढ़ते ही रहता है। यदि बच्चा बहुत देर तक स्क्रीन के सामने रहता है और उसके आहार में पोषक तत्वों की कमी होती है तो आंखों के कमजोर होने का जोखिम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसीलिए यह जरूरी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को कम किया जाए। यदि वो गेम खेलते हैं, मोबाइल पे लैपटॉप वगैरह यूज करते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम को कम किया जाए और आहार में कुछ ऐसे फूड शामिल किए जाएं जो हमारी आंख के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। यदि आपकी या फिर आपके बच्चों का आई साइट वीक है तो आपको भी अपने आहार में इन फूड्स को शामिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें ल्यूटीन, जैक्सेंथीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, बीटा कैरोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड और जिंक शामिल है। ये हमारी आई साइट को इम्प्रूव करती है और हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। तो चलिए जानते हैं ये सभी विटामिन और पोषक तत्व तो हमें कौन कौन से फूड से मिलने वाले हैं। ओमेगा 3 से भरपूर फैटी फिश, यदि हम फिश की बात करें तो उसमें काफी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 प्रत्येक कोशिका झिल्ली का हिस्सा है और शरीर की प्रत्येक कोशिका को बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। आंखों में ओमेगा 3 उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होता है जो सूखी आंखों या फिर एबोमियन ग्रंथि के डिसफंक्शन से पीड़ित हैं। यदि आपकी आई साइट वीक है, आपको अपनी डाइट में फिश का सेवन जरूर करना चाहिए। बीटा कैरोटीन वाली गाजर, आपने शायद या पहले सुना होगा गाजर आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। गाजर में अधिक मात्रा में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो विटामिन ए को बनाने के लिए सहायक होता है। विटामिन ए हमें रात में देखने में मदद करती है और मायोपिया से बचाने में बेहद फायदेमंद होती है। यदि आपको मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है या आपको हेडेक की प्रॉब्लम है, आपकी आई साइड दिन प्रतिदिन वीक होते जा रहे हैं और आपका नंबर बढ़ते ही जा रहा है चश्मे का, तो आपको अपनी डाइट में गाजर को जरूर शामिल करना चाहिए। यह हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। कीवी, कीवी भी हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इसमें ल्यूटीन, एंटीऑक्सीडेंट, जैक्सेंथीन आदि अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। कीवी हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए बेहद फायदे करती है, रोशनी को फिल्टर करने में भी काफी मददगार होती है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में कीवी का सेवन जरूर करना चाहिए। शकरगंध, शकरगंध भी हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है क्योंकि ये विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि आपको रतौंधी रोग है, आपको आंखों में धब्बे बन गए हैं आपके रेटिना में, इसके लिए बेहद फायदेमंद होता है। मोतियाबिंद के लिए बेहद फायदेमंद होता है। आपको धुंधला दिखाई देता है या आपको रतौंधी रोग हो गया है, इसके लिए आपको शकरगंध जो विटामिन ए से भरपूर होता है इसको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। सीड्स, जितने भी सीड्स होते हैं वो हमारी आंखों के लिए, रोशनी के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। चाहे हम सूरजमुखी के सीड्स की बात करें, हम तिल की बात करें, हम अजवाइन की बात करें, हम चिया सीड्स की बात करें, ये हमारी आंखों की रोशनी के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं क्योंकि इन बीजों में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और विटामिन ए भी इन बीजों में हमें भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। खासकर चिया सीड्स, सूरजमुखी के फूल हो गए या फिर आप अजवाइन, तिल हो गए, इनमें काफी बेहद मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है जो हमारी आंखों के लिए बेहद फायदेमंद होती है। यदि आपके बच्चे या आप भी आई साइट की प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आपको अपने डाइट में जरूर इन पांच पोषक तत्वों को तो शामिल करना ही करना चाहिए क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है।